टोक्यो ओलंपिक में दीपिका कुमारी को शुरू से ही पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम स्पर्धा में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद दीपिका को व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक का दावेदार माना जा रहा है। दीपिका ने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। वह आम को पत्थर मारकर तोड़ती थी। उनके अचूक निशाने को देखकर पिता शिव नारायण महतो ने 2005 में सरायकेला खारसावा में अर्जुन मुंडा व मीर मुंडा द्वारा स्थापित तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में दाखिल करा दिया। यहाँ दीपिका ने लगभग 2 साल तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 2007 में दीपिका जमशेदपुर में टाटा तीरंदाजी अकादमी द्वारा आयोजित ट्रायल में भाग ली और उनका चयन अकादमी के लिए हो गया। यहां से दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आधुनिक उपकरण व अच्छे प्रशिक्षकों के साथ काम करने का लाभ उन्हें मिला और उनकी प्रतिभा निखरती चली गई। तीरंदाजी के प्रति दीपिका का लग्न देखते ही बनता था। वह अभ्यास छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए 3 साल में वह सिर्फ एक बार अपने घर रांची गई थी। 2009 में कैडेट विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद ही वह अपने घर पहुंची थी। 2009 में दीपिका कुमारी ने 15 वर्ष की उम्र में अमेरिका के ओकडेन में हुई 11वीं यूथ विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती। 2009 विश्व कप में दीपिका ने डोला बनर्जी और बोम्बायला देवी के साथ महिला टीम रिकर्व इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। कुछ महीने बाद चीन के ग्वांगझोउ में 2010 के एशियाई खेलों में दीपिका प्ले ऑफ में उत्तर कोरिया की कोन उनसिल से हार गई।